व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी हाई नेक डिज़ाइन ब्यूटीफुल लेस के साथ। ये मैंने कैनवस पेपर लिया है, इसकी वीट 1 इंच और लेंथ में 36 इंच है। 2 पॉइंट का मैं फैब्रिक छोड़कर, सॉरी कैनवस पेपर छोड़कर इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करूंगी 2 पॉइंट की। 2 पॉइंट फैब्रिक को छोड़कर ये लाइन मैं ड्रॉ करूंगी। अब मैंने जो पैटर्न रेडी किया राउंड शेप में, ये हाफ राउंड शेप में का पैटर्न मैंने रेडी किया, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी ओवरऑल कैनवस पेपर के ऊपर। ये देखिए इस तरह से ओवरऑल मैं कैनवस पेपर के ऊपर इस पैटर्न को ड्रॉ करती जाऊंगी। यह बहुत ही खूबसूरत हाई नेक डिज़ाइन बन जाएगा। ये इसी तरह मैं ओवरऑल कैनवस पेपर के ऊपर ये पैटर्न को ड्रॉ करूँगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, मैं इसकी कटिंग करूँगी। जिस तरह इस पर मैंने ड्रॉ किया है सेम उसी तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए ऐसे मैंने कटिंग करनी है ओवरऑल। इसी तरह मैं सारी कटिंग कर लूँगी जो कैनवस पेपर पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, पैटर्न ड्रॉ किया है, इसकी मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा हाई नेक का। इसके साथ मैं लेस भी लगाऊंगी, लेस को भी स्टिच करूंगी। ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया और फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे प्रेस करके पेस्ट कर ली। ये देखिए ये डबल फैब्रिक है, जिस वन साइड पे मैंने इस तरह से ये पेस्ट किया, उस तरह से मैं स्टिच करूँगी इसके किनारों को। इस तरह मैं इसके किनारों को स्टिच करती जाऊंगी। ओवरऑल फैब्रिक के ऊपर मैं इसी तरह से स्टिच करूंगी। ये राउंड शेप में एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। ये ओवरऑल मैं इसी तरह से स्टिच करूँगी इसे। ये मैंने स्टिच कर लिया इसको। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग करूँगी। सभी को मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सब इसी तरह से कट करूँगी मैं। अब जो दूसरी साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी मैं कट कर दूँगी। फैब्रिक ये जो मैंने फैब्रिक लिए था पैटर्न के लिए, ये वीट में 3 इंच था और लेंथ में 36 इंच। अब मैं ये लेस स्टिच करूँगी इसके साथ। ये इसी तरह से मैं लेस स्टिच करती जाऊँगी।
ये मैंने स्टिच कर लिया। मैं इसे डबल करूँगी, डबल करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊँगी 3 इंच का। ये बैक साइड का नेक का निशान है 3 इंच, ये सिंगल करके 3 इंच है और डबल करके 6 इंच हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा कट लगाऊँगी। और मैं फिर ये देखिए इस तरह से मैं एक शेप बनाऊँगी नेक की। अब मुझे 7 इंच का गला चाहिए, तो यहाँ 7 इंच पे निशान लगा के मैं यहाँ से स्टिच कर दूँगी। ये मैं यहाँ से स्टिच कर रही हूँ 7 इंच का निशान, जहाँ पे मैं 7 इंच का निशान लगाया वहाँ तक मैं अब इसे स्टिच करूँगी। ये मैंने पिन्ने लगाई, उनको मैं उतार रही हूँ पिन्ने। ये पिन अप करके स्टिच होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ये स्टिच कर लिया मैंने। अब ये जो मैं नेक बनाया हाफ पे मैं निशान लगाऊँगी, शर्ट का जो नेक है यहाँ तक मैं यहाँ निशान लगाऊँगी। ये देखिए हाफ पे निशान लगाना है ये मैंने। ये गला मैंने हाफ पे रखा हुआ है। शर्ट का जो दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ पे मैं इस तरह से हाफ नेक रख के निशान लगाऊंगी। अब अंदर वाली साइड पे मैं 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर ये देखिए इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने वो मैंने स्टिच करूंगी तो उसमें 1/2 इंच कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो इनर साइड पे मैंने जो निशान लगाया था 1/2 इंच का वहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ। 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के जो मैंने निशान लगाया था अब मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग हो गया और यहाँ से मैं कट लगाऊँगी, लाइट सा कट लगाऊँगी इस तरह से। अब ये शर्ट का सीधा हिस्सा रखकर, सीधी साइड रखकर मैं यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। जो कट जो मैंने लगाया था बैक साइड का, जो मैंने कट लगाया था 6 इंच वाला, ये देखें यहाँ से मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़ूँगी शर्ट का, जो सिलाई के लिए मुझे चाहिए शोल्डर स्टिच करने के लिए, जो मैं जितना मुझे फैब्रिक चाहिए उतना मैं यहाँ से कपड़ा छोड़ दूँगी। अब मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से मैं टर्न करूँगी अब इसे। ये बहुत ही आसान है गला बनाना, बहुत ही आसान इजी है। अब इसे इस तरह से मैं टर्न करूँगी, इस नीचे वाला जो शर्ट का हिस्सा उसको मैं स्ट्रेट सीधा करूँगी और फिर इसे स्टिच करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने फैब्रिक छोड़ा था शोल्डर स्टिच करने के लिए ऊपर वाली साइड से। अब इसके शोल्डर को पहले मैं स्टिच करूँगी, बैक साइड और फ्रंट का जो शर्ट का शोल्डर है इसको मैं अब स्टिच करूँगी। अब मैं इस पर ये लेस लगाऊंगी इसकी साइड पे, ये जो मैंने पैटर्न रेडी किया है इसकी साइड पर मैं ये लेस लगाऊंगी।
ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा, लेस वाला हाई नेक नेक डिज़ाइन। ये देखिए इस तरह से मैं ये लेस लगाऊंगी। ये रेडी हो गया नेक।